एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में भी मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने कपट बना ली है। पहली पारी में कप्तान स्टीव स्मिथ की शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम ने बढ़त बना ली है। तीसरे दिन स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का 22वां शतक पूरा किया। चाय काल तक मेजबान ने 18 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। कप्तान स्मिथ 182 जबकि शॉन मार्श 100 रन पर नाबाद खेल रहे थे। अपने इस शतक के साथ ही स्मिथ ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया है। स्मिथ ने सचिन से कम पारियां खेलते हुए अपना 22वां शतक लगाया। इन्होंने अपना 22 शतक सिर्फ 108 पारियों में पूरा किया। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 114 पारियों में 22 शतक जमाए थे और कम पारियों में 22 टेस्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के नाम है। उन्होंने सिर्फ 58 पारियों में 22 शतक बनाकर ये रिकॉर्ड बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने लगातार चौथे साल एक टेस्ट कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। वह अपने हमवतन पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन के बाद ऐसा करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। हेडन ने साल 2001-05 तक लगातार 5 बार ये कारनामा किया था। स्मिथ ने 138 गेंद में अपना शतक पूरा किया जो उनके करियर का सबसे तेज शतक है। उन्होंने 107 टेस्ट में अपने 22 टेस्ट शतक पूरे कर लिए। उनसे कम टेस्ट पारियों में 22 शतक डॉन ब्रैडमैन 58 पारी और सुनील गावस्कर 101 पारी ने ही पूरे किए हैं। वहीं डॉन ब्रैडमैन ने 58 पारियों में सुनील गावस्कर ने 101 पारी में 22वां शतक लगाया था। उस्मान ख्वाजा ने 50, शॉन मार्श ने 28, कैमरन बैनक्राफ्ट 25 और डेविड वॉर्नर ने 22 रन बनाए। स्मिथ दुनिया के तीसरे सबसे तेज 22 शतक पूरे करने वाले बल्लेबाज है। उन्होंने अपना 22वां शतक 108वीं पारी में पूरा किया। दोस्तों, यदि ये न्यूज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल True 24 News। धन्यवाद।